यार मैंने ना इस चैनल पे बहुत सारे मैगी के फ्यूजन ट्राई किए हैं। मैंने बियर मैगी खाई है, मैंने मैगी फ्राइज खाए हैं, मैंने बटर चिकन मैगी तक खाई है, बट अभी तक मैगी का कीड़ा ना मेरे अंदर से गया नहीं है यार। वैसे ये वीडियो मैंने 6 महीने पहले बनाई थी और अगर मैं आज की बात करूं तो भी हालात वही है मेरे। मैं कुछ नया देख लेता हूँ ना तो मुझे खाना होता है। बट मैं आपको रियल सीन बताता हूँ यार, मैं अच्छे बच्चों की तरह अपना इंस्टाग्राम चला रहा था और मैंने ना रशियन मैगी की पिक्चर देखी। तो फिर मैंने थोड़ा और डिग इन किया और मैंने जहाँ पे रशियन मैगी मिलती थी वहाँ पे ना इटालियन मैगी, मुगलाई मैगी, पता नहीं कितनी वैरायटीज की मैगी मिलती थी। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे ट्राई आउट करनी है। फिर ना मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ, मैंने ना एक लिस्ट बनाई बड़ी यूनिक और अजीबोगरीब मैगियों की और बस आज की वीडियो में वो ट्राई आउट करने वाला हूँ। एंड लेट्स होप कि भाई नहीं, मतलब होप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता यार ये मैगीज कैसे होने वाली हैं। एंड आपने कभी मैक्सिकन मैगी के बारे में सुना है? वैसे ये मैक्सिकन मैगी कहीं मिलती नहीं है, मेरे को ना किसी तरीके से मैक्सिकन मैगी की रेसिपी मिली है। तो फिर मैक्सिकन मैगी से शुरू करें आज की वीडियो। यार मैक्सिकन मैगी ना मैं घर पे बनाऊंगा। हाँ भाई मुझे रेसिपी मिल गई है, वो मैं बाद में बताऊंगा मुझे रेसिपी कहाँ से मिली। बट जो मैक्सिकन मैगी मेरी बनने वाली है वो बनेगी गीक रोबोकुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में, which is a one-stop, one-pot cooking for all the dishes and it is multifunctional too. यार आप ना इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में कुक कर सकते हो, सॉटे कर सकते हो, बेक कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो, यार मतलब आप घर बैठे बैठे कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। और भाई मुझे साथ में ना इसके ये एक्सेसरीज मिली है which is so cool. It has many preset menu to cook your favorite dish. इसके अंदर ना यार आप इडली बना सकते हो, आप ना इसके अंदर बिरयानी बना सकते हो, इसके अंदर बिरयानी बनाने के ऑप्शंस हैं, नॉन वेज आप बना सकते हो, एंड दाल सांबर ग्रेवी, आई मीन सो मच टू मेक इन वन प्लेस। और गीक रोबोकुक इलेक्ट्रिक कुकर के साथ ना मुझे यार ये रेसिपी बुक भी मिली है, इसके अंदर वो मैक्सिकन मैगी की रेसिपी लिखी हुई है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है और उसके अंदर इंग्रीडियंट्स क्या डालने हैं, कैसे बनाना है, सब कुछ है। सो मैं ढूंढ के स्टार्ट करूँ फिर। सबसे पहले इसको यार सॉटे मोड पे डालना है, 2 teaspoon ऑयल, सम चॉप्ड गार्लिक, यार इसको ना थोड़ा सॉटे करना है, थोड़ा सा नमक, सम पेपर, ऑरिगेनो, सम टमाटोज, थोड़े से चॉप्ड अनियंस, यार इसके अंदर अब मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी, हियर गोज माय मैगी, हियर गोज माय मैगी मसाला, 4 minutes एंड नाउ वी वेट। ओह यह इट्स डन। यार इसकी ना चीटी निकालनी है। ओ भाई साहब यार बढ़िया सी बन गई मैक्सिकन मैगी। गाइस चेक दिस आउट, यार अभी एक चीज और बची है इसमें। अब भाई रेसिपी में लिखा था तो इतनी डिलीजेंटली हमने फॉलो की है तो नींबू भी निचोड़ ही देते हैं। यार बढ़िया सी लग रही है मैगी, है ना, टेस्ट करके देखूं। यार एक बात बताऊं, मैंने भी लाइफ में ऐसी मैगी नहीं खाई कभी। ऑनेस्टली गाइस ये आपको मैगी की तरह नजर आ रही है बट भाई ये जज्बात बदल चुके हैं मैगी के, ये बिल्कुल मैगी वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है इसमें भाई, दिस इज समथिंग एल्स। डेफिनेटली भाई मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं खाया अपनी लाइफ में। यार ये वाली मैगी खाने के बाद ना आई एम मोर एक्साइटेड, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये ऑरिगेनो ऑरिगेनो डाल के और ये तड़का वड़का लगा के मैगी इतनी अच्छी लगती है। This turned out to be a killer मैगी for me. ये मैं फिर से बनाने वाला हूँ घर पे और अब मैं जाऊँगा बाहर क्योंकि ना मुझे खानी है अब धमाका मैगी। अब मुझे नहीं पता अभी कि धमाका मैगी का क्या सीन है, अब तो वो जाके पता चलेगा ना। एंड अगर आपको गीक रोबोकुक इलेक्ट्रिक कुकर खरीदना है तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड हाँ दिस इज BIS अप्रूव्ड सेफगार्ड, सो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आराम से खरीदो, चिल मारो, लेट्स ईट सम धमाका मैगी नाउ। Guys, this is the धमाका मैगी for you. Of course, मैं इसका धमाके का सीन बताता हूँ आपको। यार ये नॉर्मल मैगी है, इसके अंदर इन्होंने चॉप्ड अनियंस डाले हुए हैं और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारा गार्लिक पेस्ट डाला हुआ है, मतलब गार्लिक पेस्ट इतना ज़्यादा है कि मुझे फ्रेगनेंस ही आ रही है गार्लिक की। एंड मैं अभी हूँ पॉट बेली में, पॉट बेली सर्व द ऑथेंटिक बिहारी क्यूजींस। सो इफ़ यू गाइस नो यू नो कि बिहारी क्यूजींस के अंदर ना गार्लिक और जिंजर की डोमिनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे आना पड़ा इस धमाकेदार मैगी को खाने के लिए विच इज़ फुल ऑफ गार्लिक पेस्ट। सो या लेट्स टेक राइट इनटू इट। ओ बाप रे बहुत ज़्यादा गार्लिक की इसमें डोमिनेशन, आई कैन एक्चुअली ब्रीद गार्लिक राइट नाउ, लेट्स टेक राइट इनटू इट। वो ऑफकोर्स गार्लिक के साथ द मैगी हिट सो डिफरेंट ना, उसमें
पहली बार खा रहा हूँ मैगी के अंदर गार्लिक पेस्ट डाल के, एंड कहना पड़ेगा भाई इट हैज़ सम यूनिक फ्लेवर्स। फ्लेवर तो भाई बहुत डिफरेंट आ रहा है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस, यार मैगी का प्राइस है 150 रुपीज़, और फॉर मी यस धमाका तो था यार इसमें। आई मीन द फ्लेवर वॉज न्यू टू मी ऑफकोर्स। तो भाई इसको ना जल्दी से मैं रैपअप करता हूँ, और यार बड़े अच्छे से इन्होंने बोल में मुझे सर्व किया है यार, ये बोल तो मैं भी खरीदूँगा, मैं भी मैगी इसी में खाऊँगा घर पे। एनीवे अब मैं अपनी मैगी को रैपअप करता हूँ, एंड देन आई एम गोना हेड ऑन टू चेस सम मोर धमाकेदार मैगी। सो आई एम गोना सी यू इन अ वाइल। मैं अजीबोगरीब मैगी खाने के लिए स्पेशली साउथ कैंपस आया हूँ, और यहाँ पे ना एक जगह है जिसका नाम है केव्स कैफे, और उनके मेन्यू में पता कौन कौन सी मैगी है? रशियन, इटालियन, फ्रेंच, स्पैनिश, अवधी, हैदराबादी और भी हैं, और एक चाट मैगी भी है। तो पता है क्या, मैंने कुछ दिनों पहले चाट मोमोज खाए थे, नॉट कुछ दिनों पहले, थोड़े समय पहले, और दैट मोमोज वर एक्चुअली चाट मोमोज। मतलब उसका सीन ये था कि मोमोज के अंदर उन्होंने दही वगैरह डाल के मुझे सर्व किया था, तो मुझे भी लगा भाई आज मैगी में कुछ दही वही आने वाली है, बट प्रेजेंटिंग टू यू द चाट मैगी। यार ये ना मेरे को थोड़ा कटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब दिस इज यार सी नॉर्मल मैगी लग रही है, मुझे नहीं पता यार इसमें चाट जैसा क्या है। यार टेस्ट का तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इसके ऊपर ना अलग ही कुछ इन्होंने मसाले डाले हुए हैं, बाकी खा के पता चलेगा। हाय 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 हाय, वो गोलियां आती है ना, कौन सी गोलियां होती हैं, अनारदाना गोलियां, उस अनारदाने गोलियों को इन्होंने पीस के इसके अंदर डाला हुआ है, और बस नॉर्मल मैगी है, और वो अनारदाने वाली गोली को उसमें चूरन करके डाला हुआ है, एंड दिस इज द चाट मैगी। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर दही वही कुछ डाल देंगे, मैं दिखा दूंगा, मैं थंबनेल भी वही दही वाली मैगी का बना दूंगा, फिर मेरे व्यूज आ जाते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनीवे मैंने ना साथ में रशियन मैगी भी ऑर्डर की है, एक सेकेंड, दिस इज द रशियन मैगी। मुझे कोई बताएगा यार इसके अंदर व्हाट इज रशियन, ऐसा क्या है भाई जो इसको रशियन मैगी बोल रहे हैं। बाय द वे दिस इज द नॉन वेज वर्जन ऑफ द मैगी, मतलब जितने भी अभी मैंने फ्लेवर्स बताए ना आपको, उसके अंदर आप वेज नॉन वेज दोनों करवा सकते हो। ओह भाई साहब, दिस मैगी इज लिटिल क्रीमी। यार इसके अंदर ना इन्होंने पक्का कोई मेयो या क्रीम वगैरह डाली हुई है, एंड दिस इज एक्चुअली गुड। यार ये बहुत सही लग रही है, ये जो आप इसके अंदर ऑरेंज चिकन देख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली जितना मुझे समझ आ रहा है दिस इज सीख कबाब को इन्होंने श्रेड करके इसके अंदर डाला है, एंड जो यार कॉम्बिनेशन है चिकन का, इसके अंदर जो क्रीम इन्होंने डाली है, और जो फ्लेवर्स आ रहे हैं यार, मैन रशियन मैगी तो यार मस्त बनाई है इन्होंने। ऑल्दो अभी तक मुझे समझ नहीं आया इसके अंदर रशियन क्या है, बट जो भी है यार दिस मैगी वॉज वेरी गुड। मेरे लिए ना ये 9/10 है, तो आप देख लो ये कितनी मस्त है, एंड उसका प्राइस है 100 रुपीज़, और जो मैंने दूसरी चाट मैगी खाई है विच वॉज डिसअपॉइंटिंग उसका प्राइस है 80 रुपीज़, एंड मैं जा रहा हूँ घर, सी यू एट घर। ओके टड़ा, द शांघाई चिकन मैगी, यार बाप रे ये तो यार बहुत सही सी लग रही है मुझे। मैं आपको इसका सीन बताता हूँ यार, वैसे ना इसका सीन कुछ ऐसा हो चुका है, मतलब यार ये तो वही वाला सीन हो गया जब मम्मी वो स्कूल टाइम में वो टिफिन में मैगी पैक करके देती थी ना, और जब वो रिसेस का टाइम होता था फिर हम जब मैगी खोलते थे तो वो ऐसी जमी हुई मिलती थी। यार मैं आपको बता रहा हूँ जब ये मैंने पैक करवाई थी ये, मैं देखने में इतनी यम लग रही थी, अभी भी लग रही है वैसे तो। इसके अंदर ना इन्होंने बेल पेपर्स डाले हुए हैं, आई डोंट नो यार कोई सीजनिंग वगैरह है, कुछ तो बढ़िया इन्होंने बना के दिया है मुझे, और भाई ये चिकन मैगी है, सो टेस्ट करके देखते हैं। भाई वो जो मैंने मैक्सिकन मैगी बनाई थी ना, ये शांघाई मैगी कुछ कुछ वैसी है, नॉट पूरी वैसी, कुछ कुछ वैसी, इसके अंदर मसाले थोड़े बढ़िया डाले हुए हैं इन्होंने। बस मुझे वैसे ये समझ नहीं आया इसका नाम शांघाई मैगी क्यों है, इसके अंदर ऐसा शांघाई जैसा क्या है जो ये शांघाई मैगी है। मतलब आप ना इसे चाइनीज मैगी कह सकते हो, जैसे वो चिली चिकन बनता है ना, तो जो सीन उसका होता है चिली चिकन का, चिली पनीर का, वैसे ये वाली चिली मैगी है। दिस वॉज गुड मैगी, नहीं गुड नहीं, दिस वॉज ग्रेट मैगी, मुझे बहुत पसंद आई, एंड आई रियली होप
आपको इस मैगी की तरह ये वीडियो पसंद आई होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे तो मजा आया अलग अलग मैगी खा के। एंड भाई यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, आई विल ट्राई टू मेक इट, मतलब कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई एम गोना सी यू सून, खुश रहो एंड हैप्पी ईटिंग।